नमस्कार, आप देख रहे हैं हलचल न्यूज 24। छपरा में बाढ़ की स्थिति उत्पन्न हो गई है। बता दें कि बराज से लाखों क्यूसेक पानी छोड़े जाने के बाद गंगा, सरयू, गंडक और यमुना नदी का जल स्तर बढ़ गया है। बीते दिन जहां 5 फीट जल स्तर बढ़ा था, आज भी 2 फीट बढ़ा है। ये शहर का सटा हुआ जान टोला मोहल्ला, आप देख सकते हैं कि जान टोला मोहल्ला यहाँ पे नाव चल रहा है। लोग का घर डूब चुका है, चारा की समस्या हो गई है, मवेशी पानी में रह रहे हैं और आप देख सकते हैं कि नाव से लोगों को लाया जा रहा है। जबकि प्रशासनिक स्तर पर ना तो अभी तक नाव की व्यवस्था की गई है, ना ही किसी प्रकार की राहत की व्यवस्था की गई है। जबकि बाढ़ की स्थिति में मवेशियों को चारा के लिए भी प्रशासनिक स्तर पर व्यवस्था की जानी चाहिए। आप देख सकते हैं कि जनजीवन प्रभावित है, काफी लोग पानी में आ जा रहे हैं और घर की महिलाओं और मवेशियों को नाव से बाहर निकाला जा रहा है। ये बाढ़ का पानी आ गया है, क्या समस्या हो रही है फिर? बहुत समस्या है, रहने का, माल जाल सब का समस्या है। नीतीश जी तो हम लोग को बर्बाद कर दिए हैं। अरे क्या बोले नीतीश जी, कौन मोहल्ला है ये? जान टोला है, दिलिया रहेमपुर। कितना घर डूबा है पानी में? यहाँ पर कम से कम 700 घर डूबा है। प्रशासनिक स्तर पर कोई राहत नहीं है? कोई रास्ता राहत नहीं है। तीन दिन से लोग डूब रहा है। आपका नाम? नंद किशोर मतो। पानी बढ़ा है आज? आज कम से कम 2 फीट पानी बढ़ा है। डेली पानी बढ़ रहा है? रोज बढ़ रहा है, रोज। क्या परेशानी हो रही है इसे? परेशानी आप तो देख ही रहे हैं कि मवेशी से लेकर घर द्वार से लेकर आप तो देख ही रहे हैं, हम क्या बताएं। फिर इधर देखिए सब डूब गया, इधर जितना हम लोग को गाय भैंस को खिलाने के लिए कुछ नहीं है, भूसा वूसा नहीं है। और आप तो मैं आपसे क्या देगा, आप तो देख ही रहे हैं, स्वयं देख ही रहे हैं कि कितना दिक्कत है, अब क्या बताएं हम लोग। क्या नाम है आपका? मेरा नाम कामेश्वर है। घर कौन सा मोहल्ला होता है? वार्ड नंबर 4 और छोटा ब्रह्मपुर। पानी में कहाँ लेके जा रहे हैं? अरे पानी में मजबूरी है सर, पानी में रख रहे हैं लोग। पानी में रख रहे हैं? यहाँ पे आप खटाल चलाते हैं? हाँ जी। तो ये सब भैंस दिन भर पानी में रहेगा? हाँ, अभी चारा के लेकर आए, अब खिलाएंगे या दुहेंगे, पानी में रखेंगे। चारा वारा की क्या समस्या हो रही है अब? चारा का वही बड़ी लाइन में, बड़ी लाइन में। मेरा नाम अजय कुमार यादव, गर्दन मत मंदिर समिति। बोलना ये है कि पानी तो आ गए धामाज मंदिर के एकदम निकास पर, गंगा जी का मंदिर बना हुआ है वहाँ पानी प्रवेश हो गया है। और क्या बोले, गाय बछड़ा बांधे हुए हैं मंदिर के गेट पर, खिला रहे हैं पिला रहे हैं। आज तो गए ऑफिस में, हम लोग चले साथ 9 बजे।